फार्माकोग्नोसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन। फार्माकोग्नोसी के डेफिनेशन, लैक्सेटिव के डेफिनेशन, कार्डियोटॉनिक के डेफिनेशन, कार्बिनेटिव के डेफिनेशन, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके साथ साथ एस्ट्रिंजेंट के डेफिनेशन, एनाल्पेटिक्स के डेफिनेशन, ये सारे डेफिनेशन को आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए, इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उसके बाद डेफिनेशन करने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि कुछ और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो इस प्रकार हैं, जैसे कि हाउ फॉलोइंग साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो जैसे सबके बारे में लिखा है, जैलिन के बारे में, सैडलर के बारे में, यानी जो भी साइंटिस्ट ने जिस प्रकार से योगदान दिया फार्माकोग्नोसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एक बार ज़रूर उन सारे साइंटिस्ट के बारे में जानकारी हासिल कर ले जिन्होंने फार्माकोग्नोसी को सब्जेक्ट को या उससे जुड़े रिसर्च को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब आप साइंटिस्ट के बारे में बता रहे होंगे तो वो ज़रूर बताएं कि ये किस जगह से बिलोंग करते थे और इन्होंने कौन सी बुक लिखी फार्माकोग्नोसी के बारे में, जिन्होंने मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा मदद की। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप टेबुलर फॉर्म में ज़रूर एक बार रिवाइज कर लें कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में जो डेफिनेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द फार्मास्यूटिकल एड्स, क्लासिफाई देम विथ एग्जांपल, यानी फार्मास्यूटिकल एड्स क्या हैं, उन्हें आप क्लासिफाई करें। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फार्मेसी एग्ज़ाम के लिए, आप जिस सेमेस्टर में या जिस ईयर में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह है, व्हाट इज़ द नीड इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, Why the drugs are classified? Give the object classification of drugs. यानी कि need of classification. Classification की ज़रूरत क्यों है, इससे संबंधित जो भी points हैं आप ज़रूर एक बार revise कर लें। उसके बाद जो next question है, enlist name, state, give various methods, system of classification of crude drug. यानी कि क्या system है crude drug को classify करने का, जैसे alphabetical method है, taxonomical method है, morphological method है, chemical method है, pharmacological method है, chemotaxonomical method है, as per source है, as per nature of drug है, इसे आप ज़रूर कर लेंगे, और साथ ही explain in the method of alphabetical, इसे भी कर लेंगे। उसके बाद define alkaloid drug, classify alkaloid drug with suitable example, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि alkaloid drugs क्या है, उसके classification क्या है, तो इसे भी आप ज़रूर revise कर ले। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि मैंने क्या किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी एग्ज़ाम में और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे इस पेपर में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करके मुझे मोटिवेट करें।